नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। पूरे देश में लोकसभा चुनावों के रंग में रंगी हुई तमाम राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी रण में उतर चुकी है। वहीं यूपी में चुनावों का ये सियासी मैदान ज्यादा भरा हुआ और रोमांचक नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सभी राजनीतिक पार्टियों ने यूपी में अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर अभी तक गहमा गहमी का भी माहौल बना हुआ है। ऐसे में मौके की नजाकत को भांपते हुए बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे में दलित कार्ड चल दिया है। जी हाँ, यूपी जैसे अहम सियासी सूबे में दलित राजनीति के पुरोधा काशीराम की जयंती पर शुक्रवार को सपा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर सबको चौंका दिया है। सपा के ये उम्मीदवार इसलिए अहम है क्योंकि इसमें 5 लोग ताल्लुक दलित वर्ग से रखते हैं। सपा ने अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में ओबीसी के साथ साथ दलित वर्ग में संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही काशीराम की जन्मदिन के दिन दलित वोट बैंक पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बताते हैं कि देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। देश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक होने हैं। ऐसे में सपा ने शुक्रवार को टिकट देने में दलितों को तवज्जो दी। सपा की अब तक घोषित 36 सीटों में से 11 सीटों पर दलित प्रत्याशी उतारे गए हैं। आपको बता दें कि सपा ने अब तक अपने उम्मीदवारों की 3 सूची जारी की है। सपा की पहली सूची में 1 दलित, दूसरी सूची में 5 दलित व चौथी सूची में 5 दलित प्रत्याशी हैं। यूपी में तमाम सीटों पर जातिगत सियासी समीकरण साधने के लिए सपा ने सोची समझी रणनीति के तहत सामान्य सीटों पर भी दलित प्रत्याशी उतारकर अन्य पार्टियों को भी चौंका दिया है। पहले फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया और अब बिजनौर व मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर दलित वर्ग के प्रत्याशी सामने आए हैं। इसके लिए पीडीए को धार देने की स्थिति में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने पीडीए में दलित वर्ग को खासी अहमियत देते दिख रहे हैं। केवल अलीगढ़ में सपा ने जाट प्रत्याशी दिया है, बाकी सीटों पर दलित प्रत्याशी दिए गए हैं। सपा की यह रणनीति को बसपा की रणनीति का जवाब माना जा रहा है। बसपा ने हाल ही में कुछ सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन्हें सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनौती माना जा रहा है। सपा को इन सीटों पर जीत की काफी उम्मीद है। इसके जरिए मुस्लिम वोटों में बंटवारा होने की भी उम्मीद है। सपा कांग्रेस संघ इस मुस्लिम वोट पर पूरा समर्थन चाहती है। अब ये तो समय ही तय करेगा कि सपा के साथ कितना दलित वोट इस रणनीति में आता है। वहीं देखना यह भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बसपा का मुस्लिम कार्ड किसका यूपी में नुकसान करेगा और किसको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अखिलेश यादव की इस दलित वोट बैंक की राजनीति पर आपका क्या जवाब है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।